ইউক্রেন থেকে কোন কোন পথে বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে ভারতীয়দের ওয়ার জোন থেকে, সেই ছবি তুলে ধরেছে এবিপি আনন্দের প্রতিনিধি প্রণয় উপাধ্যায়। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये लीव शहर है यूक्रेन का, यही वो फोकल पॉइंट है जहां से अधिकतर लोग यहां से निकल रहे हैं। भारतीय छात्रों की भी बड़ी संख्या में, करीब करीब 500 स्टूडेंट्स आज खार्किव के और आसपास के इलाकों से यहां पहुंचने की उम्मीद है। और इसके लिए स्टेशन के ऊपर एक विशेष कैंप ऑफिस कह लीजिए या एक विशेष वेटिंग हॉल भी भारत सरकार ने यहां पर लिया है, भारतीय दूतावास ने उसका इंतजाम किया है ताकि जो भारतीय छात्र यहां पहुंचे उन्हें रुकने और ठहरने की उनकी व्यवस्था हो सके कुछ समय के लिए, और उनके लिए विशेष बसेस का इंतजाम किया गया है। काफी बसेस यहां पर इंतजाम की गई हैं इस चीज के लिए कि स्टूडेंट्स अगर यहां आते हैं तो यहां से उन्हें पोलैंड बॉर्डर, हंगरी बॉर्डर या रोमानिया बॉर्डर या स्लोवाकिया बॉर्डर पहुंचाने की व्यवस्था किस तरीके से की जाए ताकि कम से कम समय में वो बॉर्डर तक पहुंच सकें और इसके साथ साथ बॉर्डर के ऑपरेशन भी ज्यादा स्मूदन अप हो सकें। क्योंकि देखिए, ग्रीन कॉरिडोर की बात या सेफ पैसेज की बात हुई है, भारत चाहता है कि इस समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को निकाला जा सके। काफी दिनों से यह कवायद चल रही थी, दिक्कत फिलहाल इस चीज को लेकर आ रही है कि खार्किव और पशेंको के आसपास के इलाकों के अंदर जो भी लोग फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उनको मुश्किल आ रही है कि वो यूक्रेन बॉर्डर तक कैसे पहुंचे। असली समस्या फिलहाल रशियन बॉर्डर पहुंचने के बाद बेलग्रोद या कुर्स्क से निकलने की नहीं है, क्योंकि उसके लिए मॉस्को तक जाने का रास्ता, उसके लिए एयरक्राफ्ट, वो सारे इंतजाम हो सकते हैं। लेकिन समस्या इन बच्चों के सामने आ रही है कि ये करीब करीब 50 किलोमीटर का रास्ता है, ये सुमिया से रशियन बॉर्डर या खार्किव से जो रशियन बॉर्डर है वहां तक 50 किलोमीटर कैसे पहुंचे, क्योंकि इस सर्दी के अंदर ये बच्चे करीब करीब 12 किलोमीटर पैदल चल के खार्किव से बाहर पहुंचे थे 2 दिन पहले, जब अल्टीमेटम दिया गया था कि शाम तक खाली हो जाना कर दें खार्किव को क्योंकि अब सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल इंतजाम उस चीज के लिए भी किए जा रहे हैं, लोकल जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं उनके साथ संपर्क किया गया है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से यूक्रेन की जो अथॉरिटीज हैं वो मदद करें और इन बच्चों को बॉर्डर तक पहुंचा दें, क्योंकि जब तक ये बॉर्डर तक नहीं पहुंचते वो 130 बसेस पिछले 2 दिन से वहां इंतजार कर रही हैं। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন ফেরত পড়ুয়াদের রাখা হয়েছে বঙ্গভবনে, সেখানে গিয়ে দেখা করলেন জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। আমাদের বাস রোমানিয়া বর্ডার অব্দি আমাদেরকে পৌঁছে যায়নি, প্রায় রাত্রি 8:30 নাগাদ আমাদেরকে 10 কিলোমিটার আগে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদেরকে ব্যাগ পত্র সব নিয়ে -3-4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে হেঁটে হেঁটে 10 কিলোমিটার অবধি যেতে হয়েছিল। তারা আমরা অনেক হেল্প মানে চেয়েছিলাম এবং আমরা প্রচুর ফোন নাম্বার পেয়েছি এবং তাতে প্রচুর ফোনও করেছি, কিন্তু তাতে ওনারা শুধু একটাই কথা বলছিলেন, ইভেন ইন্ডিয়া থেকেও আমাদের ফ্যামিলির চেষ্টা করছিলেন, ফ্যামিলির সবাই যে এম্বাসিতে যোগাযোগ করার, এম্বাসির লোকেরা শুধু একটাই কথা বলছিলেন যে আপনারা বর্ডার পার হয়ে যান তারপর আমরা দেখে নেব, কিন্তু সেই বর্ডার পার হওয়ার রাস্তাটা খুব ডিফিকাল্ট ছিল। কিভ থেকে, হ্যাঁ কিভ থেকে বর্ডার অবধি আসাটা সম্পূর্ণই নিজেদের দায়িত্বে আমরা এসেছি, এমব্যাসি জাস্ট, হ্যাঁ কথাটা যতক্ষণ না এমব্যাসির কথা ছিল যে যতক্ষণ তোমরা বর্ডারে পৌঁছাবে তারপরেই তোমরা ম্যাক্সিমাম হেল্প যা পাবে অন্য পোল্যান্ডের বা অন্য দেশের এমব্যাসি, আমাদের ইন্ডিয়ান এমব্যাসির থেকে পাবে, তার আগে অবধি এইটুকুনি রিস্ক তোমাদের নিতে হবে, এটা কথা।